आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में आने वाली नई TVS राइडर 100 के बारे में। जी हाँ भाई, आपने सही सुना, जो राइडर है ये आपको 100 CC में मिलने वाली है। अब भाई बहुत से लोग ऐसे हैं भाई जो बोलेंगे कि ये फेक न्यूज़ है, तो यार भाई आप लोग फेक मत माना करो, क्योंकि यार ब्रांड जो है चाहता है कि उनकी गाड़ियों को अच्छी सेल फिगर आए, तो ऐसे में यार ब्रांड जो है अंदर ही अंदर डेवलप करता रहता है भाई। होंडा की भाई शाइन जो है 100 CC में आ गई ना, आप लोग फेक बोलते थे, और भाई जो पैशन है वो भी 100 CC में आ रही है, फोटोस वीडियो सब लीक हो गई, तब भी आप लोग कहते हो फेक है। और भाई जो राइडर है ना, आज आप बोल लो फेक है, लेकिन भाई कल को आ जाएगी तब मत बोलना। तो यार भाई जो राइडर है 100 CC में आने वाली है, गाड़ी में आपको कुछ चेंजेस मिल जाएंगे भाई, जिससे कि गाड़ी का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको कम मिल जाएगा अभी के मुकाबले। गाड़ी में भाई आपको मिल जाएगा फुल्ली LED का हेडलाइट, लेकिन भाई जो DRL है वो आपको नहीं मिलेगा आने वाले 100 CC वाले वेरिएंट में। और भाई गाड़ी की जो टेल लाइट है वो भी आपको मिल जाएगी LED की, और भाई गाड़ी के जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स हैं वो आपको हैलोजन के ही मिल जाएंगे, और भाई गाड़ी का जो मीटर कंसोल है वो आपको फुली डिजिटल देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई हो सकता है कि गाड़ी में आपको थोड़े बहुत कम फीचर देखने को मिले भाई, उसमें आपको इको पावर ऐसा कोई भी मोड नहीं मिलेगा। और हाँ, अभी भाई जो आपको मिल जाती है राइडर 125 इंडिया में, उसमें भाई आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता, लेकिन भाई जो वेरियंट आएगा 100 CC वाला ना, उसमें आपको किक स्टार्ट मिल जाएगा, और भाई आपको सेल्फ स्टार्ट भी मिलेगा, और भाई आपको कोई भी किल स्विच वगैरह नहीं मिलेगी। गाड़ी में भाई आपको मिल जाएगा फ्रंट में टेलीस्कोपिक का फोर्क, पीछे आपको मिल जाएगा वही मोनोशॉक एब्जॉर्बर, और यार भाई गाड़ी का जो प्रोफाइल है टायर की वो आपको पतली मिल जाएगी आने वाले 100 CC वाले वेरियंट में, जो कि यार भाई वो तो डेफिनेटली पतला होएगा ही। तो यार भाई जो टायर की प्रोफाइल आएगी ना वो आपको मिल जाएगी फ्रंट में 80 सेक्शन की, पीछे आपको मिल जाएगी 90 सेक्शन की प्रोफाइल टायर की, और भाई टायर्स आपको मिल जाएंगे ट्यूबलेस 17 इंच अलॉय व्हील के साथ, टायर भाई आपको ट्यूबलेस ही मिलेगा। बाकी यार भाई फ्रंट में आपको भाई ड्रम ब्रेक मिलेगा, पीछे भी आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा जो कि रहने वाला है SBT के साथ, और भाई जो ABS है उसका चांस मत लगा के बैठना भाई, ABS नहीं आएगा। और भाई गाड़ी में आपको 4 गियर मिलेंगे जो वेरिएंट आएगा 100 CC का, भाई से 5 गियर आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि भाई ये गाड़ी 100 CC की है। साथ ही भाई इसमें आपको एयर कूल्ड इंजन ही मिल जाएगा भाई, इसमें आपको कोई भी लिक्विड कूल का सिस्टम नहीं मिलने वाला है। गाड़ी में भाई आपको मिल जाएंगे बिल्कुल ही नए कलर्स और बिल्कुल ही नए ग्राफिक्स, लेकिन भाई गाड़ी की जो बॉडी है भाई जो फेयरिंग है वो आपको पतली दुबली मिल जाएगी और भी ज़्यादा। साथ ही ब्रांड इसमें आपको भाई कोई भी इंजन काउल वगैरह ऑफर नहीं करेगा, वो भाई आपको नॉर्मल ही मिलेगा। गाड़ी में भाई आपको सिंगल पीस सीट मिल जाएगी। ब्रांड जो है भाई गाड़ी में कॉस्ट कटिंग काफ़ी ज़्यादा करेगा, और भाई ये गाड़ी आपको लगभग इंडिया में मिल जाएगी 70,000 रुपये के आसपास तक का एक शोरूम, और भाई ये कन्फर्म प्राइस नहीं है भाई, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। और ब्रांड इस गाड़ी को लॉन्च कर सकता है इस साल के फेस्टिवल सीजन में। बाकी भाई जो डिज़ाइन है अलॉय का, उसमें भी आपको थोड़े बहुत बदलाव मिल जाएंगे भाई। टैंक पे आपको मिल जाएगा हॉर्स का 3D लोगो, साथ ही भाई इसके जो पैनल्स है साइड वाले वहां पे आपको मिल जाएंगे राइडर के ग्राफिक्स जो कि रहेंगे 3D में, और होता है इसका एक टॉप वेरिएंट भी आए जिसमें कि आपको स्प्लिट सीट और आपको डिस्क ब्रेक मिल जाए, लेकिन भाई वो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा लगभग 5,000 रुपये तक का। तो भाई वेरिएंट के हिसाब से आपको फर्क मिल सकता है। बाकी भाई 100 CC में आने वाली है ये अपडेट निकल कर आ रही है, तो यार आप लोग भाई चाहो तो इस गाड़ी का कुछ महीने और वेट कर सकते हो, दिवाली तो भाई आप लोग वेट कर ही लो। तो भाई जो वीडियो है ना अभी के अभी आप इसे कर दो लाइक, और भाई जो चैनल है ना साथ ही आप इसे भी कर लो सब्सक्राइब। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।